आज का रेस्क्यू कॉल हमें आजमगढ़ जिले के देवगांव मार्केट के पास में से आया है। बेसिकली यहाँ पर जस्ट पीछे मार्केट है और ये गांव है। यहाँ पर घर के अंदर एक सीवेट कैट यानी कि कबर बिज्जू देखा गया है। ऐसे बिना वक्त गवाए हम लोग मौके पर आ चुके हैं और ये लोग नहीं चाहते कि उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुँचे और वो इनके घर से हट भी जाए। तो चलिए चल के देखते हैं कहाँ पर सीवेट कैट है, उसको सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू भी करेंगे और उसे उसके अनुकूलित वातावरण में रिलीज भी करेंगे। जब तक हम लोग सीवेट कैट को रेस्क्यू करते हैं, वीडियो को लाइक और यहाँ के क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो बिना वक्त गवाए चलिए चलते हैं। बच्चा भी साथ में, बच्चे छोटे हैं कि बड़े हैं? छोटे छोटे हैं। ज़्यादा छोटे? ज़्यादा छोटे तो नहीं है, कितना तब भी होगा? अच्छा उतना बड़ा हो गया है ना, चलिए देखते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा छोटे होंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और कोई गारंटी नहीं कि अगर हम लोग इनको साथ में रिलीज करेंगे तो देख लीजिएगा। चलिए पहले रेस्क्यू करते फिर जो होगा उसके लिए डिसीजन ले लेंगे। चलिए कहाँ भागेंगे? चलिए बताइए, अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप उसको यहीं पे रहने दीजिए। अगर कोई नहीं तो थोड़ा उसमें चीज है, वही काम है। यहाँ पे इनकी सब ट्यूशन चलता है, यहाँ पे भी ट्यूशन चलता है, वो बगल में भी ट्यूशन चलता है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा चलिए चलिए देखते हैं पहले। क्या बच्चे हैं ना, थोड़ा सा उस इतनी गर्मी हो रही है कि सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। किस कौन से घर में इसमें नहीं सब रेस्क्यू करने लायक नहीं है, बच्चे भी बड़े छोटे छोटे। दिख तो रहा है लेकिन बच्चे बहुत छोटे हैं। ओके हेलो। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मदर सीवेट कैट है वो हमें दिखाई दे रही है। ये मदर ही होगी ना, जहाँ तक ज़्यादा चांसेस है मदर ही होगी। और इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एक बच्चा उसके पास में है और एक बच्चा तीन है इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर। यहाँ पर दो बच्चे यहाँ पर हैं और एक बच्चा यहाँ पर, और ये काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है। अगर भी आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो इनको आप यहीं पे रहने दीजिए कुछ दिन। बहुत छोटे हैं, हिम्मत नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि हम लोगों को एक तरह का पाप हो जाएगा भाई, जो सच्चाई मैं बता रहा हूँ। अभी दो ही तीन दिन एक ही दो दिन का बच्चा दिया, वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। बल्कि आप कोई दीजिए लकड़ा, मैं पैक कर दूँ, बल्कि आपके लिए अगर कोई प्लाई हो तो दीजिए, मैं अपने हाथ से कर देता हूँ। अच्छा सर, वो आप पैक कर दीजिए, तब हमने बलुआ जो है निकलवा के पूरी करवा दो, जिसे प्लाई कोई दे दीजिए ना, मैं पैक कर देता हूँ। क्या हुआ? गिट्टी बिना काम चल जाएगा? गिट्टी नहीं चाहिए, बस सिर्फ बालू ही चाहिए था। एकदम बिंदास निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करेगा, बस मैं पैक कर देता हूँ। यहाँ पे लकड़ा रख देता हूँ, लकड़वा नहीं प्लाई जैसा हो। देखिए कोई ऐसे जहरीला जीव तो है नहीं कि लाइक अगर आपके किसी के परिवार के सदस्य क्या किसी को काट लेगा तो जान चली जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके बच्चे बच जाएं कम से कम कुछ दिनों में, फिर वो खुद ही चला जाएगा। आप लोग उसको हटा दीजिए, प्रजाति अब देखिए खत्म हो रही है। अच्छा। उल्टा आप लोग बोलेंगे तो एक आध महीने बाद हम लोग आके इसको पकड़ लेंगे, पकड़ भी सकते हैं। 20-25 दिन बाद जैसा अपडेट रहेगा बताइएगा, हम लोग हटा देंगे इनको। यार पलिया दे दो सर, लगा देते हैं, फिर उसके बाद जो है अपना जो है अभी बलुआ निकाल लेते हैं, फिर अपना रहेगा। हाँ यही रहेगा सर, आप हल्का सा लगा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल लगा देता हूँ। पूरा बंद मत करिएगा अंकल जी। अरे नहीं भाई, मैं समझ रहा हूँ, मैं इतना समझ ला, बालू निकाल करके बोरिया यहाँ भरवा के रखवा दे। हाँ देखल जाए, बालू बहर में रखवा दे जाते हो सके तो। अरे ना कुछ हो, उनके ना कुछ होता है, सुई लगवा के आ लू मैं। ना निकली तो एक किलो भेरी लिया के हम डाल दिया, तब ले खाई। सही है, अब इतने से आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, देख रहे हैं इसमें से उतना जल्दी आएगा नहीं। जब अपना काम करिएगा, कार कर लीजिएगा, तो उसके बाद थोड़ा सा पटरा और खींच दीजिएगा, थोड़ा सा गैप और बढ़ जाएगा, इतने गैप में वो आराम से रहेगा। हाँ। जिससे उसको मतलब क्या है, एकदम सर्वाइव डाल दी जाएंगी वहाँ, बिल्कुल डाल सकते हैं, इधर से भी डाल सकते हैं। ये देखिए ना, यहाँ से आके आप आराम से उसको कुछ भी डालना हो तो डाल सकते हैं, देख रहे इतना गैप है, कुछ भी फेंकना होगा एकदम फेंक दीजिएगा। बहुत अच्छा लगा, कम से कम आप इतना सोच रहे हैं गुड़ खिलाने के लिए जी, क्यों नहीं, क्योंकि भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या
आप काम कर लीजिएगा ना तो ये पटरा हटा दीजिएगा एक ऊपर वाला जी, इसलिए हटा दीजिएगा कि वो खुद को अगर कैद महसूस करेगी तो ज्यादा पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ से भाग जाए अपने बच्चों को छोड़ के भी। कई सिचुएशन में ऐसा हुआ है कि भाग जाते हैं वापस नहीं होते हैं, एक लालगंज लोग रेस्क्यू किए थे, तो आप ये ऊपर का पटरा हटा दीजिएगा ताकि, क्योंकि वो ना सिर्फ हमें इसी बालू वही कर रहा हूँ, बालू लोग निकाल के फिर अपने बच्चों के लिए अपना बाहर आती जाती रहेगी तो वो उसका रास्ता खुला रहे, उसको ज्यादा अनकंफर्टेबल में हो, डरी तो थोड़ी जरूर है ज्यादा। बस काम करिएगा, इसको खींच दीजिएगा जी जी, इतने में आराम से निकल के आ जाएगी। थैंक यू सर जी। क्योंकि सिवेट कैट के बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक या दो दिन पहले उसने बच्चों को जन्म दिया है, तो ऐसे में अगर हम लोग इसे रेस्क्यू करेंगे और कहीं किसी नया स्थान पर रिलीज़ करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि वो अपने बच्चों को छोड़ करके भाग जाएगी और इसके बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसको देखते हुए हमने जिनका घर है इन भैया को हमने कन्विंस करा कि आप इनको कुछ और दिन तक यहाँ पर रहने दे, लाइक एक आध महीने तक यहाँ पर रहने दे, उसके बाद बड़े होकर के ये खुद ब खुद चले जाएंगे या फिर आप हमें कॉल करिएगा, हम लोग इनको रेस्क्यू भी कर देंगे। अभी हटाएंगे तो उनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो भैया भी मान गए, बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बोला कि मैं उसको खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें डाल दिया करूँगा, उसके बाद जब ये बड़े हो जाएंगे तो चले जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी वीडियो में ऐसे किसी मनुष्य को बता दें, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।